जय हिंद साथी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो साथी ये लेक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसको कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता होगा आपकी पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से आपके एक प्रश्न पत्र में पेपर जरूर देखने को मिलता है। तो साथी आप इसमें आखिरी तक बने रहेंगे। आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं साथी? आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न, जो आपके बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बच्चों आपके जितने प्रश्न होंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, इसीलिए आप बच्चों को ध्यान से देखना। और क्या बच्चों अगर इसमें कोई संशोधन हुआ हो तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि बच्चों मेरे अनुसार मैंने प्रश्न को चेक किया तो उसमें जो संशोधन से रिलेटेड प्रश्न थे उनको संशोधित किया गया है, बाकी बच्चों आपका वही है। पहला प्रश्न साथ ही ये पूछ रखा है आपसे कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो बच्चों राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति होती है, दैट मीन बच्चों वो पद जब खाली होता है उसको कितने मास के अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए, या कहने का अर्थ है बच्चों कि कितने महीने की अवधि के भीतर वो भरा जाना चाहिए। ऑप्शंस क्या दे रखा है साथी आप देख सकते हो। पहले ऑप्शंस में दे रखा है 1 महीना, दूसरे में 6 महीना, तीसरे में 3 और चौथे में 1 वर्ष। तो साथ ही जो राष्ट्रपति का पद होता है वो ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहना चाहिए। अगर बात करें साथी जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो पदावधि समाप्त करने की रिक्ति, दैट में बच्चों भरने के लिए निर्वाचन पदावधि और समाप्ति के लिए पूर्ण करने के लिए जो पद होता है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों। ये आपका आर्टिकल साथ ही 62 के भाग ए में निहित है, दैट मीन 62 के भाग ए में इसकी चर्चा की गई है। दैट मीन राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जो उसकी बच्चों रिक्ति की भरपाई होती है, दैट मीन जो निर्वाचन होता है उसके लिए, तो आप इसको जानते रहिएगा साथ ही, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर बात करें बच्चों ये अवधि मतलब कितने अवधि कितने कम से कम समय में भरी जानी चाहिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय इसमें बच्चों 6 महीने लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में 6 मास दे रखे, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं साथ ही अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर आपका 2, ये आपसे साथ ही पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से बच्चों किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। साथ ही प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप इसमें पूछ रखा है इसमें से ऐसा कौन सा पद होता है जिसकी बच्चों जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जी मतलब की जाती है। क्या बच्चों राज्यों के राज्यपाल के, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश के, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, या फिर बच्चों उपराष्ट्रपति, इनमें से किसकी जो नियुक्ति है वो बच्चों राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो साथ ही इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी जो नियुक्ति है बच्चों वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो आप पूछोगे बच्चों कि इसका भी मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का जिक्र दे रखा है, तो आप सभी को बच्चों ये भी पता होना चाहिए आपका जो आर्टिकल 66 है इसके अंतर्गत बच्चों उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया है आपके संविधान में। ठीक है साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर साथी आप नोट कर लें तो उपराष्ट्रपति होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, आपसे पूछ रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति को की जो घोषणा होती है उसके किए जाने की बच्चों किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। बच्चों जो संसद में इसका अनुमोदन होता है वो बच्चों कितने महीने के अंतर्गत होना चाहिए, जो राष्ट्रपति बच्चों राष्ट्रीय आपात स्थिति में मतलब कह सकते हैं घोषणा करता है, तो उसकी अवधि आपको बताना है। तो साथ ही इसका आप आंसर जरूर बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शंस क्या है बच्चों, 1 महीना दे रखा है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है साथी, 2 महीना दे रखा है, तीसरा 4 महीना दे रखा है, और पांचवा बच्चों आपका 6 महीना दे रखा है। तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी साथी बच्चों इसका आंसर जानते होंगे वो कमेंट में जरूर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथी इसका करेक्ट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा 1 महीने के भीतर, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में 1 महीने के भीतर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे बच्चों इसका भी किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र दिया गया है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो राष्ट्रपति आपातकालीन लगाता है वो बच्चों 352 के भाग 4 के जरिए लगाता है, ठीक ना बच्चों, क्योंकि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 का चौथा भाग दे रखा है बच्चों उसी के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के भाग ए से बच्चों मतलब जो आपातकालीन स्थिति होती है उसके जो घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ठीक, नहीं तो बच्चों वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी, तो आप ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये भी बच्चों आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा है, ये पूछ रखा है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। बच्चों उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष क्या राज्यसभा का होता है, या फिर लोकसभा का, या फिर योजना आयोग का, या फिर बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो आप सभी आंसर इसका बताएंगे बच्चों, जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो सभी साथ ही सभी को पता होगा किसका होता है बच्चों, वो आपके राज्यसभा का होता है। तो राज्यसभा ऑप्शन नंबर साथ ही किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किस अनुच्छेद के तहत, आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों 89 के भाग ए के तहत
बच्चों इसमें संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे साथी, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति से पूछ रखा है कि बच्चों उपराष्ट्रपति डैश 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 क्या लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य, अभी किसी सदन का सदस्य नहीं होता या फिर बच्चों सांसद नहीं होता है, तो आप सभी बताएं बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो उपराष्ट्रपति होता है बच्चों वो लोकसभा का सदस्य तो होता है और बच्चों राज्यसभा का भी सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है बच्चों, परंतु वो सांसद या फिर संसद सदस्य, जो संसद सदस्य होता है वो नहीं होता है। तो ऐसा बच्चों ऑप्शन नंबर डी में साथ ही आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसके करेक्ट आंसर को कहेंगे। अगर बात करें बच्चों ये किस आर्टिकल के तहत, आप सभी को पता होगा बच्चों अनुच्छेद 66 के भाग 2 के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या बच्चों राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, तो ध्यान रखिएगा आप बच्चों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न आपसे साथी क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर मतलब उसके स्थानापन्न के रूप में काम करना हो तो उसे बच्चों कितना वेतन मिलेगा। कहने का अर्थ है बच्चों प्रश्न का कि जब भारत का उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर काम करना पड़ेगा तो बच्चों उसका क्या वेतन होगा, क्या राज्यसभा के सभापति का या फिर राष्ट्रपति का या फिर संसद के सदस्य का या फिर बच्चों पहला और दूसरा दोनों का, तो इसका करेक्ट आंसर साथ ही बताएंगे आप। आप सभी को पता होगा बच्चों अगर वो राष्ट्रपति के पद पे काम करेगा तो बच्चों उसको संविधान के आर्टिकल 65 के भाग 3 के जरिए दूसरी अनुसूची के तहत जब उपराष्ट्रपति बच्चों राष्ट्रपति के स्थान पर होता है मतलब उस रूप में काम करता है, तो वो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का विशेषाधिकार का हकदार होता है। ऐसा किस आर्टिकल में साथी, मैंने बताया अभी आर्टिकल आपका 65 के भाग 3 में, तो बच्चों किसका उसको मिलेगा, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम अनुसार जो बच्चों उत्तर है वो आपको बताना है। क्रम अनुसार का मतलब क्या है बच्चों, उसके जो कब से कब कौन हुआ था वो आपको मतलब किसके किसका क्या शासनकाल था यही आपको बताना है। तो बच्चों अब क्रम अनुसार आपको बताओ, दैट मीन बढ़े सबसे पहले जो हुए उसके बाद जो हुए फिर उसके बाद, ऐसे ऐसे करके आपको बताना है। अगर बात करें साथी डॉक्टर जाकिर हुसैन है, एस राधा कृष्णन है, फारूकी अली अहमद है, सॉरी बच्चों फरुखीदीन है और बीवी गिरी हैं, तो बच्चों ये चार राष्ट्रपति हैं। अगर एक एक के शासनकाल का बात कर लें तो हम आप सब जानते होंगे कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है बच्चों 1900 आपके बच्चों 67 से लेकर 69 तक काम किए हैं। वैसे ही अगर राधा कृष्णन जी की बात करें तो ये बच्चों आपके 62 से 67 तक काम किए हैं, 62 से साथी 67 से काम किए हैं। फरुखीदीन अली अहमद की बात करें तो बच्चों 74 से 77 तक किए हैं, 74 से आपके ये 77 तक कार्यकाल है। और बच्चों अगर बात करें गिरी का तो 1969 से 1974 तक है। तो अब आप इनको क्रम में व्यवस्थित कर दें, सबसे पहला क्रम किसका होगा साथी, पहला सबसे इसमें जो पुराना आपको दिख रहे हैं वो डॉक्टर राधा कृष्ण दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पे मतलब पहले दूसरा हो जाएगा। उसके बाद साथी उसके बाद कौन है आपका, उसके बाद बच्चों आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, फिर उनका एक पे हो जाएगा। उसके बाद इन किसका दे रखा है साथी आपका बच्चों बीबी गिरी है, तो बीबी गिरी का कितने पे हो जाएगा साथी, उसके बाद कौन होगा साथी आपका बीवी गिरी होंगे ना, तो बीवी गिरी का 69 से है ना साथी, 69 से 74, तो इनका कितने पे हो जाएगा, इनका आपका बच्चों 3 पे है, इसके बाद 3 हो जाएगा मतलब 2 1 3, ऐसा किस ऑप्शन में दे रहा है, 2 1 3 आपका केवल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न आपका साथी क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला है, दैट मीन जो उसका पद होता है उपराष्ट्रपति का, 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन संभाला है, क्या बच्चों राधा कृष्णन जी या फिर बीडी जत्ती या फिर बीवी गिरी या फिर बच्चों जो आपके एम ही सॉरी बच्चों हिदायतुल्ला हैं, इन्होंने किया था, तो आप सब इसका करेक्ट आंसर साथ ही बताएंगे कि इसका जो बच्चों आपके 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला था तो ऐसा किस कौन था, तो बच्चों सभी जानते होंगे एस राधा कृष्णन, तो एस राधा कृष्णन ऑप्शन नंबर ए में दे रखा साथ ही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप पूछोगे उनका कार्यकाल कब से कब मतलब पहला कब से तक बच्चों, पहला 1952 से 1957 के बीच था, पहला कितना था बच्चों 1952 से 1957 और दूसरा 1957 से साथ ही 1962 था। ठीक, ये इनका बच्चों जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का संभाले थे वो इनका शासनकाल था, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे साथी। अगर पहले कार्यकाल की इनकी बात करें तो आप सभी को पता होगा बच्चों पहला का जो कार्यकाल है वो आपका कब 1952 में इन्होंने पहला भार संभाला था, तो आपने देखा बच्चों आप सब इसको जानते रहिएगा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे, अगला प्रश्न यानी बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है भारत के उपराष्ट्रपति
पद पर लगातार दो बार कौन रहा? तो बच्चों लगातार दो बार कौन रहा, अब इसी को आपको बताना है। तो आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बच्चों, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, बाकी इसमें जो नाम दे रखे हैं ये दो बार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 साथी, ये पूछ रखा है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो दोनों सदनों के लिए बच्चों कुल मिलाकर 14 बच्चों व्यक्तियों का नाम नामांकित किया जाता है ना, कुल मिलाकर बच्चों 14, ठीक है बच्चों। जबकि अगर लोकसभा की बात करें बच्चों, तो शायद लोकसभा में बच्चों आपको पता होगा कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को भी नामांकित किया जाता है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा, बाकी 12 साथी आप सामान्य हैं। तो क्या करेक्ट होगा इसका बच्चों? 14 होगा, 14 का इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछ रखा है लोकसभा के सभा जो राष्ट्रपति होते हैं बच्चों, उनको एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दो किए जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों, तो दो आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आर्टिकल की बात करेगा साथ ही, तो आप आर्टिकल भी जानते रहिएगा किसके तहत, आर्टिकल बच्चों 331 के तहत, ठीक। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 12 क्या पूछ रखा है, आपसे पूछा है राष्ट्रपति द्वारा संसद के एग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो सेम एज इट इज प्रश्न है बच्चों, बस प्रश्न थोड़ा बदल के पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमने रखा है क्योंकि प्रश्न बदल बदल के पूछे जा सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, तो हमने सबको रखा है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है, क्या बच्चों? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर संसद के परामर्श के राष्ट्रपति के द्वारा? तो बच्चों किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति के द्वारा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न नंबर 14 साथी, ये पूछ रखा है आपसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बच्चों जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके में जब कोई विवाद का मामला आता है, तो उसको किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? बच्चों आप सभी को पता होगा भारत का उच्चतम न्यायालय के सामने, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किस आर्टिकल के तहत, 71 के भाग एक के तहत, इसका बच्चों जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति दोनों का जो विवाद होता है बच्चों, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथ ही, ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? बच्चों जो केंद्रीय मंत्री होता है वो संविधान के अनुसार किसकी इच्छा रहने तक पद संभालता है? तो किसकी इच्छा तक रहने तक बच्चों वो पद संभालता है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए में भारत का राष्ट्रपति दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करोगे तो 75 के भाग 2 में बच्चों इसका जिक्र दे रखा है, तो आप बच्चों का भी संविधान पढ़ना तो उसको देख सकते हो। मतलब प्रश्न नंबर 16 साथी, ये क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो बच्चों आपका जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका निर्वाचन जो है साथी वो कुल मिलाकर बच्चों आपका 6 वर्ष तक के लिए होता है, तो कितने अवधि के लिए? 6 वर्ष के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी में 6 वर्ष दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की बच्चों अगर टोटल नंबर ऑफ सीट पूछोगे, जो मैक्सिमम है बच्चों अधिकतम संख्या है वो 250 है। अगर बात करो बच्चों उसमें राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा जो नामांकित किए जाने वाले सदस्य होते हैं उनकी संख्या 12 होती है बच्चों, और जो राज्य और संघों के क्षेत्र में मतलब आपका अनधिक प्रतिनिधि से मिलकर बनती है उनकी जो संख्या होती है वो 238 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथी। अगर इस वर्ष की बात की है तो आप सभी को पता होगा 6 वर्ष के लिए बच्चों ये चुना जाता है, और जीतने के लिए बच्चों जो है वो 1/3 बहुमत के साथ प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? बच्चों राज्यसभा के द्वारा कितने कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी बच्चों कुल मिलाकर जो उनकी संख्या है वो आपकी 12 है, तो ऑप्शन नंबर बी में 12 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछोगे बच्चों आप किस आर्टिकल के तहत, आप सभी को पता होगा 80 के भाग एक में इसका जिक्र दे रखा है साथ ही, जिसमें ये किस किस क्षेत्र से हो सकते हैं बच्चों, ये बच्चों राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं, ये किस क्षेत्र में होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक क्षेत्र में बच्चों कुल मिलाकर 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ये क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के रूप में बच्चों ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति नामांकित किए जा सकते हैं? 12 किए जा सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में 12 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 साथी, आपसे पूछ रखा है राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? बच्चों आप सभी को पता होगा जो राज्य के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के जो सदस्यों के नामांकित करने का अधिकार होता है साथी, उनका जो अधिक मतलब जिसके पास ये अधिकार होता है वो बच्चों आपके राष्ट्रपति ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे बच्चों ये किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो साथ ही आप सभी बताएं किसमें कोई राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या अध्यक्ष के निर्वाचन? बच्चों बिल्कुल अध्यक्ष के निर्वाचन में, तो ऑप्शन नंबर बी में अध्यक्ष का निर्वाचन दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 की बात करें, साथ ही आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है बच्चों उसको कौन निकाल सकता है? तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि लोकसभा की सहमति से राज्यसभा आर्टिकल 67 के बी के तहत बच्चों उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है ना, तो आप सभी को पता होगा किस आर्टिकल 67 के पार्ट बी से, तो कौन हटा सकता है बच्चों? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी इसका करेक्ट आंसर साथ ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, अगला प्रश्न आपका साथ ही क्या पूछ रखा है, ये पूछा है यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको मतलब संबोधित करेगा, किसको देगा, क्या भारत के राष्ट्रपति या फिर बच्चों उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल? तो बच्चों जो अगर बात करें लोकसभा का जो अध्यक्ष है अगर वो त्याग पत्र देगा बच्चों वो उपाध्यक्ष को देगा, तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर बात करें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, बच्चों आपको पता होगा 94 के पार्ट बी के तहत, ठीक, वो बच्चों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करने का या फिर बच्चों अपना त्याग पत्र उसे देगा, ठीक बच्चों। जैसे शायद इसमें बच्चों कोई लेख लिखा जाता है जिसपे हस्ताक्षर वगैरह होती है, ऐसा कुछ प्रबंध है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है आपसे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तब कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति का के स्थान पर प्रयुक्त होता है, क्या बच्चों उत्तर न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर दिल्ली का उपराज्यपाल या फिर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर बच्चों प्रधानमंत्री? अगर बच्चों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो उस समय अगर आपको पता होगा साथी जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वही पदभार मतलब पद को संभालता है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका बच्चों ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर होगा। अगले प्रश्न की साथ ही बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, ये कह रखा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद में से एक खाली हो तो राष्ट्रपति के स्थायी रूप में कौन काम करता है? बच्चों एक खाली हो तो अस्थायी रूप में आप सभी को पता होगा साथी कौन काम करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि इसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है, तो बच्चों किसकी अनुमति से वित्त विधेयक जो है वो पेश होता है, तो आप सभी को पता होगा साथी राष्ट्रपति की अनुमति से, तो ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या फिर संस्था है, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी जो भारतीय संविधान के अनुसार इसमें संवैधानिक और निकाय या फिर संस्था है बच्चों आपका वित्त आयोग है, तो ऑप्शन नंबर ए में वित्त आयोग दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट था, अगर मल्टी टास्किंग स्टाफ वाले बच्चों इसको जरूर देखेंगे क्योंकि एमटीएस के पेपर में वो जरूर आ सकता है, क्योंकि कई बार आया 4 या 5 बार बच्चों। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो वित्त आयोग होता है उसकी नियुक्ति साथी आपका राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रपति दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, ये पूछ रखा है जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, बच्चों प्रीवियस में इनमें से नाम दे रखा है, अगर नए नाम होता तो आप नए भी बता सकते हैं लेकिन पुराने नाम सारे दे रखा है, कह रखा है जनता पार्टी के शासनकाल में कौन सा बच्चों राष्ट्रपति थे, तो आप सभी को पता होगा बच्चों शासनकाल जो मतलब प्रीवियस में बच्चों जनता पार्टी का शासनकाल 1977 से 79 के बीच था, तो इस बीच बच्चों उस समय नीलम संजीवा रेड्डी जी भारत की राष्ट्रपति थी, तो ऐसा इनका ऑप्शन नंबर बी में नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी, ये पूछ रखा है आपसे, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो बच्चों कुल मिलाकर अभी तक जो राष्ट्रपाल की राष्ट्र आपातकालीन की घोषणा की गई है राष्ट्रपति के जरिए साथी वो अभी तक केवल 3 बार है, तो ऑप्शन नंबर सी में 3 बार दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब, 1962 में बच्चों जो भारत चीन युद्ध का समय था, और 1971 आप सभी जानते हो बच्चों ये भारत पाक युद्ध का समय था, और 1975 बच्चों कितना 1975 इस समय बच्चों शायद आंतरिक अशांति के आधार पर आपका आपातकाल लगाया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लागू किया था, बच्चों आंतरिक व्यवस्था भी हमने बताया 1975 में, तो 1975 किस ऑप्शन में दिया साथी, ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है यानी प्रश्न नंबर 31, ये साथ ही आपसे पूछ रखा है निम्न से भारत के वर्ष राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे, प्रीवियस ईयर बच्चों क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखो बच्चों आपको बताना है इसमें कौन राष्ट्रपति था, वहां पे उपराष्ट्रपति की बात हुई थी बच्चों, इसमें राष्ट्रपति की बात हुई थी, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर डी में बाबू राजेंद्र प्रसाद का नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार अगर बात करें बच्चों 26 जनवरी 1950 में
हुए थे और दूसरी बार बच्चों 1952 से 1957 के बीच थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है भारत की सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित करता है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछोगे संविधान के किस आर्टिकल के तहत, तो 53 के भाग 2 के तहत। किसके बच्चों? 53 के भाग के 2 के तहत ये बच्चों भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, ये साथी आपका क्या पूछा है, ये पूछा है भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से वे कौन व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन बच्चों किसी मामले में सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो कौन है साथी, आप सब क्या पढ़ रहे हो, भारत का राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित और प्रश्न देखेंगे बच्चों कल, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन नहीं लगेगा साथी, और आप शुरू में ही छोड़ दोगे। अगला प्रश्न क्या है, ये पूछ रखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, ये उसका है क्या, मौलिक अधिकार है या बच्चों पुनरावादित है या फिर परामर्शी है या फिर बच्चों बहुमुखी है। तो आप सभी को पता होता है बच्चों, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित में चुनाव विवाद का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, ये बच्चों एक प्रकार का आपका बच्चों मौलिक अधिकार है, क्या है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों ये किस आर्टिकल के तहत, आप सभी को पता होगा बच्चों अनुच्छेद 71 के तहत, ठीक साथी, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।